सन की लड़ाई में हर एक संकट, हर एक विपरीत परिस्थितियों में आसुरी शक्तियों से लड़ते हुए सृजनात्मक रूप से राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज के सपनों को मूर्त रूप देने वाले शिल्पी, विश्व पटल पर आयुर्वेदीय क्रांति के जनक परम श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के पावन जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों की ओर से पतंजलि योगपीठ व आस्था परिवार का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कोटिशः प्रणाम व नमन। आयुर्वेद की ऋषि परंपरा के मूर्त रूप परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में प्रातःकाल से ही मनाया जा रहा है। प्रातःकालीन यज्ञ अनुष्ठान के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम को संपूर्ण भारत में जड़ी बूटी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ से हुई, जिसमें परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ अनेक गणमान्य व्यक्तियों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं में वृहद मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। तत्पश्चात सभी लोगों ने पूज्य आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धेय आचार्य जी को जन्मदिवस की बधाइयां दी। श्रद्धेय आचार्य जी के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के साथ पूरे देश के सभी जिलों व तहसीलों में समर्पित कार्यकर्ताओं ने जड़ी बूटियों का वितरण कर श्रद्धेय आचार्य जी का जन्म दिवस मनाया। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात आचार्य कुलम की विद्यार्थियों की वंदना और प्रसिद्ध गायक व सांसद श्री बाबुल सुप्रियो ने भी गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। श्रद्धेय आचार्य जी के जन्म दिवस पर गत वर्षों की भांति पतंजलि योगपीठ में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें धर्म, अध्यात्म, संन्यास परंपरा की श्रेष्ठ प्रतिमूर्तियों के साथ ही राजनीति व कला क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को जन्म दिवस के खूब खूब शुभकामनाएं प्रदान करते हुए परम पिता परमात्मा से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। गत वर्षों की भांति इस बार भी पतंजलि आयुर्वेद गौरव एवं पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार का वितरण किया गया। उपस्थित महानुभावों ने संक्षिप्त वक्तव्य भी दिए, जिनमें साध्वी रितंभरा परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी,
व पूज्य धर्मदेव जी महाराज सहित भारत सरकार के अनेक मंत्री, सांसद व साधु संतों ने आचार्य जी को शुभकामनाएं दी और वक्तव्य दिए। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी श्रद्धेय आचार्य जी को जन्म दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं दी। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा संपादित पुस्तकों सिद्धसार संहिता, योग शतम एवं अष्टांग हृदयम का लोकार्पण किया गया। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा चलित मेधा परीक्षण प्रयोगशाला वाहन का उद्घाटन एवं लोकार्पण भी किया गया। आचार्य जी का और हमारा सबका ही जीवन की मूलभूत तीन चीज़ें हैं। एक तो ज्ञान, जीवन हमारा समाधान और ज्ञान से परिपूर्ण रहे, अंदर से किसी प्रकार की कोई समस्या हमें अनुभव ना हो, और दूसरा हमारा पारस्परिक जो जीवन है वो भावपूर्ण हो, हमारे परस्पर जो संबंध हैं वो एक दूसरे से ऐसे हों कि जिसमें हम जैसे हमारा एक परिवार है, ये हाथ पैर इंद्रियां मन बुद्धि, तो ये पूरा परिवार जैसे कि एक दूसरे के साथ सहयोग में, ऐसे परस्पर में जो हमारा जीवन है वो भाव के साथ हो, और बाह्य जो हमारे सुविधाएं साधन जो जीवन का जो बाह्य पक्ष है, तो ये तीनों चीज़ें जिसको प्राचीन शब्दावली में कहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हमारे जीवन में वो चीज़ें हों जो हमें आंतरिक रूप से जिनकी ज़रूरत पड़ती है, धैर्य सहनशीलता सहयोग प्रेम दया दान, और अर्थ और काम धर्मपूर्वक जो हमारी हमारे पास जो आता है और जो हमारी इच्छाएं धर्मपूर्वक हम पूरी करें, और रोज़ाना अनुभव करते रहें कि हम जीवन में बहुत ज़्यादा बंधे हुए तो नहीं हैं इच्छाओं से, इंद्रियों से, शरीर से, वासनाओं से, संबंधों में बहुत ही ज़्यादा कि इधर उधर हिल ही ना सकें, हम अपने आप को एकदम फ्री अनुभव करें अंदर से, तो ये चाहते हैं और आप वो कर ही रहे हैं। भगवान आपको शतायु और उससे भी ज़्यादा अदीना श्याम सरदा सतम भूयस्त सरदा सता, इस भावना के साथ हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर अपने मन अपने बुद्धि बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से आप परिपूर्ण जीवन जिए, और स्वयं के लिए भी और सारे अस्तित्व के लिए आपका जो जीवन है वो सौभाग्य और मंगल से परिपूर्ण हो, ऐसी हमारी अभिलाषा है। भगवान वो हमारी पूरी करे, दिल से ये चाहते हैं, हृदय से ऐसा चाहते हैं। Krishna's birthday, congratulations. This is a special day for celebrations.
फ्रेंड्स हैव कम फ्रॉम फार एंड नियर टू शेयर द डे विथ यू एंड हियर योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ डिफरेंट ह्यू टू नर्चर प्लांट्स एंड हर्ब्स सो डियर टू यू. द डे विल पास इन प्रेयर्स सॉन्ग एंड डांस आवर्स विल फ्लो फॉर ऑल एज इफ इन ट्रांस. You will lead your team of men and women bright who perform their best to set things right. But that's your making, not to go in vain. Even if you sink through the sea, you'll rise again. The evening star and the morning sun, the mighty mountain and the ocean on run will light the candles for this very special day on which all of us in unison pray. And I, from 1,000 light years away, shall watch your fortunes swing and sway through flowers, praises, and circles of fire, getting all that you dream and did aspire. From Sarkarji. Pranam. Jordar taaliyan bajao Sarkarji ke liye. Ye Sarkar se takkar lete rehte hain hamare Sarkarji. Bahut bahut aashirwad. व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हर एक संकट योग आयुर्वेद का विस्तार किस प्रकार से हुआ. विराट व्यक्तित्व के धनी पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य श्री ने किन विषम परिस्थितियों में इस अनुष्ठान का आरंभ किया. उनके जीवन से जुड़ी यह घटना आपके समक्ष प्रस्तुत है. गुरुकुल के ब्रह्मचारी जो इस घटना का प्रदर्शन आपके सामने करने जा रहे हैं. आप दोनों का मानव सेवा का यह भाव देख मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आप दोनों कितनी करुणा से दीन दुखियों का कितना ध्यान रखते हो. कितनी करुणा दया भाव है आप में. योग और आयुर्वेद से आप दोनों यहीं से योग की इस दिव्य अनुष्ठान की शुरुआत करिए. यहीं से? हाँ यहीं से. अब हम योग के अभ्यासों का अनुष्ठान करते हुए प्रारंभ करते हैं प्राणायाम के द्वारा. भस्त्रिका प्राणायाम. लंबा गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस अंदर लेना है और उसी गति में बाहर सांस छोड़ना है. योग योग एक जीवन पद्धति है. योग के अभ्यास में दूसरा अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम. सांसों को बाहर छोड़ना. एक सेकंड में एक सांस बाहर छोड़ना. योग से सब रोग दूर होते हैं. कपालभाति प्राणायाम से लीवर के रोग, किडनी के रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि सभी बीमारियां दूर होती हैं. कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम. अरे ये रामदेव और बाल कृष्ण किस चिड़िया का नाम है रे. सुना है योगा योगा कराता है और योग से रोग ठीक करने का दावा भी करता है. रे, सुना तो हम भी है. हरिद्वार में ऐसे ढोंगी बाबा 36 घूमते हैं, 4 दिन में टाए टाए फिस हो जाएगी. आज योग शिविर का यहीं पर समापन करते हैं. ओम शांति शांति शांति. क्या समस्या बेटा आपको? पेट में थोड़ा दर्द रहता है, उसका कुछ बताओ ना. लो ये दवाई खा लेना, गर्म पानी में पीना सुबह शाम. एक समस्या है, रोगियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है और हमारी दवाई दिन रात प्रयास करने पर भी कम पड़ रही है. आप चिंता क्यों करते हो, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और सभी के रोगों को दूर करेंगे. कोई हमारे द्वार से खाली हाथ नहीं जाएगा. चलो करते हैं प्रयास.
आइए इधर। कैसे चलाओ महाराज जी? हे भरत, भरत कहाँ गया है? जी महाराज, कोई ध्यान नहीं देता है, सारे जड़ी बूटी इधर उधर पड़ी है। आचार्य जी कितने परिश्रम करके सारे जड़ी बूटी इकट्ठे करते हैं। चल मेरे साथ बैठ, बैठ। आप सारी दवाई कुटती है आज जी? सारी आज कैसे होगी महाराज? स्वामी जी पसीना बहुत आ गया। ठीक है, कोई नहीं। अरे स्वामी जी, स्वामी जी अभी तो एक घंटा लगेगा इसको पकने में, आप तो अभी से पसीना छोड़ रहे हो। ओम, पता तो यही बताया था, दिव्य योग मंदिर क्या था, दिव्य योग। हाँ, गंगा नदी किनारे, पता तो यही लग रहा है, मकान तो यही शायद। अरे कोई है यहाँ? हाँ हाँ, क्या बात है? बहुत बैठे बैठे उधर बैठे, वैद्य आ रहे, बैठे 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 आ रहे वैद्य। मुझे वैद्य जी से मिलाओ जल्दी से। बैठे आ रहे वैद्य, आ रहे। अरे भाई क्या समस्या है? नाड़ी दिखाइए जरा। अरे आपको तो गैस बनती है बहुत। बोलो मत वैद्य जी, बोलो मत। पेट साफ हो रहा है कि नहीं? पेट साफ होता है कि नहीं? 7 दिन हो गए भाई, 7 दिन। अरे अरे, अंदरूनी जुखाम भी आपको, बुखार है? बैठते बैठते लो ये दवाई दे रहा हूँ, 2-3 प्रकार के, इसको खा लेना गर्म पानी से, सुबह शाम ठीक हो जाओगे। ठीक है भाई, क्या हो गया यार? और लो इसे। अरे ये कई दिन के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खाना इसे गर्म। जा और दे दिया लो। कैसे खाने भाई? इसको गर्म पानी से सुबह शाम खा लेना, और ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी पीना? और देखो ये ठंडा पानी नहीं पीना। और देखो ये बीड़ी बीड़ी आती है, नशा छोड़ देना। ठीक है? ठीक है, जाओ। इतने सारे दवा वैद्य जी? हाँ। पैसे तो है नहीं मेरे पास। कोई नहीं कोई नहीं, कुछ लाया हूँ वैद्य जी, कुछ लाया हूँ वैद्य जी, रख लो। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है, ये ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा देखना फिर, नशा छोड़ देना। आइए महाराज जी। वैद्य जी नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। वैद्य जी इधर आया था हरिद्वार में, कनखल में। अच्छा। वो आपने उस बच्चे को, मेरे बच्चे को दवाई दी थी। अच्छा ठीक है महाराज जी। अच्छा। वो बिल्कुल ठीक है, खेल कूद रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा। स्कूल जा रहा है और बढ़िया जो है, बड़ा खुश है, सारे घर वाले बहुत खुश है। आपने तो बच्चे की जिंदगी बचा दी वैद्य जी। तो आज मैं सोचा, ऐसे विचार आया मन में आपका, ये बड़ा भारी दिव्य अनुष्ठान आप कर रहे हैं महाराज जी लोक सेवा का, तो मैं कुछ जो है तुझ भेंट जो है कुछ दान महाराज जी देना चाहता हूँ। 5-1 लाख रुपए है महाराज, क्योंकि मेरे लिए पैसे क्या है महाराज जी, बच्चे की जिंदगी बच गई है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई महाराज। तो आप कृपा करें महाराज, आज जा दें तो थोड़ा कुछ भेंट में लेके आया हूँ महाराज, थोड़ा श्रद्धा से लाए हो तो ठीक है। वो गगन जी को दे देना, वो बिल बना लेंगे। जी जी महाराज, बड़ी 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 कृपा, उनसे मिल लेना। ठीक है ठीक ठीक महाराज जी, कम से कम 20-25 किलो तो वाट दी होगी अभी दवाई है। हाँ। कितनी हो गई बाकी अभी? करो पीछे पीछे। महाराज ये हाथों में छाले पड़ गए, और कितनी दवाई कुटनी पड़ेगी, लगता है पूरी जिंदगी यही करेंगे। चुप, जल्दी जल्दी कर, ले जा, ले जा भाई, ले जा, ले चुप 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 चुप। ओम आचार्य जी, क्या बात है महाराज, क्यों दुखी से नजर आ रहे हो? महाराज जी एक समस्या ये है कि रोगी बहुत बढ़ गए हैं और दवाई हमारे पास कम पड़ रही है, तो इसके लिए कुछ बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। 3 रात लग रहे हैं भरत जी, स्वामी जी आदि, और फिर दवाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो बड़ी व्यवस्था कुछ करिए उपाय। देखो भाई, सोच तो मैं भी सही रहा हूँ, पर इसके लिए हमें एक बड़े संकल्प के साथ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारे यहां से कोई भी रोगी खाली हाथ ना जाए, और ऋषियों की जो जान परंपरा है उसे पूरे भारत में ही नहीं अपितु
पूरे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित किया जाए। आप जो सोच रहे हैं स्वामी जी कि ये सब होगा कैसे, ये तो बहुत बड़ी सोच है। देखो, हम लोगों ने ऋषियों की जान के द्वारा ही, ऋषियों की परंपरा के अनुसार ही अध्ययन अध्यापन करके महर्षि चरक, सुश्रुत धन्वंतरी, पतंजलि, पाणिनि आदि के अनुसार ही इस परंपरा को धारण किया है। और मैं सोचता हूँ क्यों ना इस संस्था का नाम भी किसी ऋषि के नाम पर ही होना चाहिए। ठीक है, विचार करिए, मैं जाता हूँ, मेरी दवाई बहुत पड़ी है, उसको बनाता हूँ अभी। लेकिन आचार्य जी, आप भी तो कोई नाम बता दो, आपके मन में कोई नाम होगा। देखो भाई, मैं तो आयुर्वेद वाला, मेरे हिसाब से तो चरक योगपीठ रख लेते हैं, या कुछ रख लेते हैं ऐसे, चरक सुश्रुत के नाम पर। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे यात्रा के मूल में तो योग ही है, क्यों ना इसका नाम योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के नाम पर ही पतंजलि योगपीठ रखा जाए। हाँ स्वामी जी, बहुत अच्छा नाम, तो बहुत अच्छा है स्वामी। और इसी कड़ी में अभिनंदन के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज को, जो अपने अपने अपनी शुभकामनाएं श्रद्धे आचार्य जी को देंगे, जो श्रद्धे आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी धर्मदेव जी का हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो राम कथाओं के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से पूरे देश में स्वामी जी महाराज के संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं। भारत स्वाभिमान में जिनकी अनन्य निष्ठा है, ऐसे पूज्य स्वामी धर्मदेव जी का हम अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज श्री के लिए और आचार्य श्री के लिए, जो हम लोगों के बीच में ये अवतार लेकर के आए हैं, इस अवतार के बारे में कहना चाहता हूँ मैं। हुई है हमसे नादानी तेरी महफिल में आ बैठे, हुई है हमसे नादानी तेरी महफिल में आ बैठे, जमी की खाक होकर भी आसमां से दिल लगा बैठे। हम इनके सामने क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भारतवर्ष को वो चीज़ दी है, शायद मैं तो ये कहूँगा कि पूज्य विवेकानंद जी के बाद यदि किसी ने भारतवर्ष को कोई असली चीज दी है तो ये दोनों ही महापुरुष हैं। इसलिए जन्मदिन के इस पावन अवसर पर इनके दीर्घ जीवन की कामना करते हुए पूज्य महाराज श्री ने उस धर्म की पगडंडी को आगे बढ़ाया है जो भागवत की शुरुआत में ही कही गई है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। भागवत का एक श्लोक कहना चाहता है जो भागवत की महिमा में लिखा है कि जो महापुरुष या जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वो ऋषियों के बताए हुए मार्ग को अपना ले और उसको अपनाकर अपने जीवन में चरितार्थ करे और वही बात लोगों तक पहुंचाए। और जो उस धर्म की पगडंडी को आगे बढ़ाता है उसको दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो बाधा बन सके, जो उसको रोक सके। और आज आप लोग देख रहे हो कि सरकारों ने इतना जोर लगाया, लेकिन अब उन सबको चीरते हुए आज दोनों महापुरुष विश्व का ब्रांड बने हुए हैं मेरे भाई बहन। तो इसलिए एक तरफ शास्त्रीय धर्म है और एक तरफ लौकिक धर्म है। जो व्यक्ति शास्त्रीय धर्म को अपनाता है वो एक दिन भगवान की कृपा को, ऋषियों की कृपा को पा जाता है, और जो लौकिक धर्म में ही लगा रहता है, भौतिकता में ही लगा रहता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। कि जो इन महापुरुषों ने दिया, यदि इनकी चरणों की धूली भी लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे, न जाने हम पूरी दुनिया को क्या दे सकते हैं। और आज तो महाराज श्री ने इतने रामदेव और इतने बालकृष्ण पैदा कर दिए हैं, वो तो पूरे विश्व को बदल सकते हैं। इसलिए इन महापुरुषों को मैं तो चरणों में प्रणाम करते हुए और पूज्य बालकृष्ण के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप लोगों को इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निवेदन कर सकता हूँ कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि इन महापुरुषों ने जो किया है, यदि उनके पद चिन्हों को हम संभाल के रखते रहे तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम पा नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों को साधुवाद देता हूँ और इन महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य महाराज श्री के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा ही पावन दिन है,
प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी का आज जन्मोत्सव है, जहां हम सभी अपनी अपनी सद्भावना शुभकामना लेकर आचार्य जी के चरणों में समर्पित करने आए हुए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने आए हुए हैं, चाहे ढंग जो भी हो, तरीका जो भी हो। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज ही के दिन आचार्य श्री परम पूज्य श्रद्धे जी का जन्म हुआ था। मैं ज्यादा क्या कहूं, बहुत वक्ताओं ने बहुत सारी बातें ऋषि पुत्रों के बारे में अपना अपना वक्तव्य दिया है। मैं बस इतना ही कहूंगा, आचार्य जी युग युग जिए, युगों तक जिए, अपना कार्य जो उन्होंने लिया है उस कार्य को करते रहें, बस यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी शुभकामना है। और बस इतना बोलकर मैं अपना दो शब्द यहीं समाप्त करता हूँ। आचार्य जी को चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, आप सबों को प्रणाम प्रणाम। परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज और आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आचार्य श्री, आपके जन्मदिन को उल्लास से मैं मनाता हूँ, और कुछ पंक्तियां कहने से पहले आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। मित्रों, हमारे पुरातन काल के महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदियों का मिश्रण अगर हमें एक महापुरुष में मिलता है तो वह श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, जिन्होंने अपने तप से आयुर्वेद को पुनः विश्व में प्रतिस्थापित कर दिया है। और स्वामी जी और आचार्य श्री की जोड़ी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि राम और लखन की जोड़ी हो। तो इसी पे मेरी कुछ पंक्तियां हैं, आशा करता हूं आप सब मेरा साथ देंगे। वर्तमान के धन्वंतरी को ऐ मनुष्य तू जान, आयुर्वेद चिकित्सा को दिलाई जिसने पूरे विश्व में पहचान। आयुर्वेद चिकित्सा को दिलाई जिन्होंने पूरे विश्व में पहचान। स्वामी जी और आचार्य श्री ने शिक्षा की एक ऐसी धारा मोड़ी और क्या करिश्मा करती है ये राम लखन की जोड़ी, गुलाब सी मुस्कुराहट आपके मुख पर सजे, और भगवान करे आपको कभी किसी की नजर ना लगे। भारतीय आयुष ज्ञान का किया पुनरोद्धार और बढ़ाया वैदिक ज्ञान का सम्मान। योग एवं आयुर्वेद की अलख जलाई और किया था गंगोत्री में ध्यान। ऐसे परम श्रद्धे आचार्य श्री हैं भारतीय ऋषि परंपरा की आन बान और शान। योग एवं आयुर्वेद पर 29 पेटेंट्स हैं जिनके नाम ऐसे महान तपस्वी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने एक भक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आशा है आप इसे सराहेंगे। जगह
हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नहीं करता, मरने की दुआ और जीने की ख्वाहिश नहीं करता।
फैसला नहीं करता, आपकी सहानुभूति से डरता हूँ मैं, आपकी सहानुभूति से डरता हूँ मैं। जख्म तो रखता हूँ पर नुमाइश नहीं करता, जख्म तो रखता हूँ पर नुमाइश नहीं करता। गो माता की, भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे। धन्यवाद। बालक ब्रह्मचारी शिवम के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। मधुरम् वदनम् मधुरम्।